चलिए अभी हम इस क्लास में जो सीपीटी नंबर है हमारा वो ही हम सोल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन शेयरिंग ऑफ चार्जेस, ठीक है, कि हमारे पास बेसिकली जो क्वेश्चंस बनते हैं उनमें अगर मान लो क्वेश्चन बनता है शेयरिंग ऑफ चार्ज के बेसिस पे, जैसे मान लो हमारे पास एक मेटेरियल को दूसरे मेटेरियल जब हम किसी एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हैं तो उस सिचुएशन में उसकी जो कैपेसिटी है, उसका जो एनर्जी है, उसका जो पोटेंशियल है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए हम क्या काम करते हैं, हम मान लेते हैं हमारे पास दो स्फीयर है, ठीक है, शेयरिंग ऑफ चार्ज, ठीक है। हम मान लेते हैं दो स्फीयर है, ठीक है, जिसमें से एक का जो रेडियस है वो हमने माना है R1 और दूसरे का जो रेडियस है वो हमने माना R2, ठीक है, जबकि दोनों का अलग अलग चार्ज है, इसका चार्ज Q1 है, इसके पास चार्ज Q2 है, इसका अपना खुद का कैपेसिटी है C1, इसका अपना खुद का कैपेसिटी है C2, और इसका अपना खुद का पोटेंशियल, इसका अपना खुद का पोटेंशियल है, और सिमिलर वे में इसके पास अपनी खुद की एनर्जी और इसके पास भी अपनी खुद की एनर्जी है। इस तरह से हमने कुछ पैरामीटर्स को अज्यूम किया है, ठीक है। अब देखो सिचुएशन को हम समझने की कोशिश करते हैं और क्वेश्चंस को सोल्व करना सीखते हैं। अब हमने क्या काम करा, इन दोनों स्फीयर, ये वाला ए स्फीयर और ये बी, हमने इन दोनों स्फीयर्स को एक वायर के थ्रू हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ये स्फीयर ए, ये स्फीयर बी, ए और बी, हमने एक वायर से इनको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। जैसे ही हम इनको कनेक्ट करेंगे तो एक चीज तो हम जानते हैं कि इन दोनों में जो चार्ज होगा Q1, इसके पास चार्ज होगा Q2, और चार्ज अलग अलग होने के कारण इनके अंदर चार्ज क्या हो जाएगा, इसका Q1 हो जाए, Q1 डैश, और यहां लिख देता हूं मैं Q1 डैश, और इसके पास चार्ज कितना हुआ Q2 डैश। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे क्या दोनों सेम होंगे या अलग अलग रहेगा, ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास जो कैपेसिटी है वो भी क्या रहेगा, इसका C1, इसका कैपेसिटी C2। अब इस कैपेसिटी के बारे में सोचते हैं, कैपेसिटी क्या होता है, इस मटेरियल का खुद का प्रॉपर्टी, तो इस मटेरियल को चाहे किसी से भी कनेक्ट करते रहो इसी कैपेसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थर्ड चीज आती है हमारे पास पोटेंशियल, जब हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो इनका जो पोटेंशियल है वो सेम आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि पोटेंशियल हायर से लोअर की तरफ ट्रेवल करेगा, और वो जब तक ट्रेवल करता रहेगा जब तक उन दोनों की जो पोटेंशियल है वो बराबर ना हो जाए, और इनका अपना खुद का एनर्जी होगा, इसका अपना खुद का एनर्जी होगा। यहां तक का बताओ समझ आया कि नहीं, ठीक है। यहां से हमें सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि इनका जो कॉमन पोटेंशियल होगा वो होगा V, और वो दोनों के लिए सेम रहेगा। अब हम बात करते हैं धीरे धीरे इन चीजों को समझने की। जब अगर मान लो हमने इन दोनों को कंबाइन किया तो जो नेट चार्ज हमारा आया वो नेट चार्ज कितना आया हमारे पास, हम जानते हैं कि जो Q1 होता है वो होता है C1 V होगा, और इसका भी कितना होगा C2 into में V, बिकॉज दोनों का कॉमन पोटेंशियल तो सेम है, ठीक है। अब हम जानते हैं किसी भी स्फीयर का, किसी भी स्फीयर का कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जैसा कि हमने अर्थ के केस में भी निकाला था, है ना। अगर मैं इनकी वैल्यूज पुट करता हूं तो कितना लेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, वन हमारा रेडियस है, इनटू वी होगा, और सिमिलर वे में ये भी हमारे पास होगा C2 का वैल्यू हम पुट करेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर टू इंटू में वी, ठीक है। अब अगर मान लो मुझे दोनों का रेशियो निकालना हो Q1 टू Q2, तो न्यू चार्ज हमारा बनेगा Q1 डैश इज अपॉन Q2 डैश। Q1 डैश की वैल्यू कितनी है हमारी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर वन वी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर वन वी, और Q2 का वैल्यू कितना है हमारा, ये रहा 4
पाई एप्सिलॉन नॉट आर टू वी, ठीक है। जब हम इन दोनों को वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज बनेंगे कुछ ऐसे ही, क्यू वन डैश अपॉन क्यू टू डैश इज इक्वल टू आर वन बाई आर टू, ठीक है। अब एक बात सोचते हैं, अगर मान लो यहां और यहां का चार्ज अगर मान लो क्यू वन और क्यू टू है, ठीक है, तो हमने कहा कि भाई टोटल चार्ज कितना होगा, तो हमने कह दिया कि सर क्यू वन प्लस क्यू टू होगा, है ना। अब हमने इन दोनों को क्या कर दिया, किसी वायर के थ्रू ज्वाइन कर दिया, तो क्या ज्वाइनिंग के बाद में चार्ज है वो हमारा कंजर्व नहीं रहेगा क्या? कंजर्व रहेगा। अगर वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि आफ्टर शेयरिंग भी चार्ज दोनों का इक्वल होगा। मैं इनको मान लेता हूं हमारा चार्ज कितना है क्यू, ठीक है। कहने का मतलब यह कि पहले वाला चार्ज और लास्ट में चार्ज दोनों का इक्वल होगा, किसके, क्यू के। ये हो सकता है कि चार्ज इधर से उधर ट्रांसफर हो जाए, बट एक्चुअल टोटल चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, ठीक है। अब हमने क्या काम करा इस इक्वेशन में, इसमें, और मैंने दोनों साइड वन ऐड कर दिया। जैसे ही हम वन ऐड करेंगे, मैं इसको यहां से रिमूव करके यहां लिख रहा हूं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर टू इंटू में वी। दोनों साइड वन ऐड करेंगे तो मिलेगा हमें क्यू वन अपॉन क्यू टू डैश इज इक्वल टू आर वन अपॉन आर टू। दोनों साइड इसमें वन ऐड किया और यहां भी वन ऐड कर दिया, तो हमें मिलेगा यहां से क्यू वन डैश अपॉन क्यू टू डैश अपॉन में क्यू टू डैश इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू बाई आर टू होगा। अब यहां से हमें पता लग गया कि भी Q1 डैश और Q2 डैश कितना था हमारा, Q, तो ये मिला हमें Q अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू R1 प्लस R2 बाई R2, ठीक है। इसको कर दो रेसिप्रोकल। जैसे हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास मिलेगा और वो वैल्यू हमारे पास बनेगी Q2 डैश अपॉन Q इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 प्लस R2 मिलेगा। तो यहां से हमें Q2 डैश का वैल्यू कितना मिला, Q2 डैश, यहां नहीं यही लिख देता हूं मैं, Q2 डैश हमें मिलेगा, ये Q इस साइड चला जाएगा, तो ये मिला Q इंटू में R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये आ गया हमारे पास आफ्टर शेयरिंग न्यू चार्ज, ठीक है। सिमिलर वे में हम निकालेंगे Q1 डैश का वैल्यू कितना होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इस इक्वेशन को यहीं पे रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। और यहीं पे रेसिप्रोकल करने का मतलब क्या होगा, ये इक्वेशन हमारी यहां, ये तो ये इक्वेशन यहां से ही देखते हैं हम, इस इक्वेशन को रेसिप्रोकल करेंगे तो ये मिलेगा हमें Q2 डैश बाई Q1 डैश इज इक्वल टू R2 बाई R1। दोनों साइड से अगेन वन ऐड कर दो तो हमें मिलेगा Q2 डैश अपॉन Q1 डैश प्लस वन इज इक्वल टू R2 बाई R1 प्लस वन। इसको जब तुम सोल्व करोगे तो मिलेगा हमें Q1 डैश, या चला जाएगा ऊपर, क्या मिला हमें Q2 डैश प्लस Q1 डैश अपॉन Q1 इज इक्वल Q1 डैश इज इक्वल टू R2 प्लस R1 बाई R1 मिलेगा। जब हम इसको कंप्लीटली सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, वो होगा सिमिलर वे में जो हमारा ये आंसर आया था, यही मिलेगा हमें Q1 डैश इज इक्वल टू Q इंटू में R1 अपॉन में R1 प्लस R2, ठीक है। ये हमारे पास आ गया कि हमें किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर कहा जाए कि वी हैव टू स्फीयर्स, ठीक है, और उनका अलग अलग सब कुछ अलग अलग है, कोई भी चीज कॉमन नहीं है, आफ्टर शेयरिंग न्यू चार्ज अगर हमारे से पूछा जाए, तो अगर पहले वाले स्फीयर पे पूछा जाए तो ये फॉर्मूला होगा डायरेक्ट, सेकेंड वाले पे पूछा जाए तो ये होगा डायरेक्ट, ठीक है। पहली बात समझ आ गई, चार्ज हमने फाइंड आउट कर लिया। सेकेंड बात आती है कॉमन पोटेंशियल की, कि इन दोनों में कॉमन पोटेंशियल कितना होने की संभावना है, वो अभी हम सीखते हैं। देखो कॉमन पोटेंशियल जब हम ड्राइव करेंगे
तो हम जानते हैं दो स्टेप्स. पहला तो क्या कि हम यहां से फाइंड आउट करेंगे बिफोर शेयरिंग पोटेंशियल कितना था हमारे पास, V1 और V2 थे. ठीक है, अब हमने क्या काम करा कि इनका हमने कॉमन पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिया. कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, V कॉमन इज इक्वल टू वो हमारे पास होगा टोटल चार्ज अपॉन, देखो ये फॉर्मूला हम जानते हैं क्या इज इक्वल टू होता है, CV है ना. तो V का वैल्यू क्या मिलेगा, टोटल चार्ज अपॉन में टोटल कैपेसिटी, या फिर हम कह सकते हैं टोटल कैपेसिटेंस. ठीक है, कैपेसिटी बजाय कैपेसिटेंस लिख देता हूं मैं. तो V टोटल हमारा कितना बना, टोटल चार्ज, चार्ज टोटल कितना है वहां लिख रखा मैंने Q1 प्लस Q2, वो हमारी मर्जी Q2 ये वाला पुट कर दो चाहे ये वाला, टोटल चार्ज तो Q ही है ना हमारा. ठीक है, अपॉन कैपेसिटी कितना है C1 प्लस C2. हम जानते हैं Q1 हमारा होगा C1 V1, ठीक है, प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2. ये हमारे पास आ गया कॉमन पोटेंशियल. जब हम इन दोनों को शेयरिंग करवाएंगे तो हमारा न्यू जो पोटेंशियल मिलेगा वो कितना होगा, V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 बाय C1 प्लस C2. ठीक है, ये हमारे पास आया है. तो चलिए अभी हम लॉस ऑफ एनर्जी फाइंड आउट करते हैं. सो पहले सबसे पहले हम बात करते हैं बिफोर शेयरिंग एनर्जी कि शेयरिंग से पहले उनका एनर्जी कितना होता है, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं यू आई, दैट इज यू इनिशियल, और वो हमारा आंसर आता है हाफ सी वन वी वन स्क्वेयर प्लस हाफ सी टू वी टू का स्क्वेयर. ओके, अब जब हमारे पास ये शेयरिंग करता है तो आफ्टर शेयरिंग, आफ्टर शेयरिंग, शेयरिंग करने के बाद उनका जो पोटेंशियल है वो कॉमन पोटेंशियल के नाम से जाना जाता है, और उसके कारण जो यू फाइनल होगा वो हमारे पास होता है हाफ सी वन प्लस सी टू इंटू में वी का स्क्वेयर. ये हमारे पास आता है एनर्जी आफ्टर शेयरिंग. जैसा कि मैंने यहां पे वर्ड यूज किया है लॉस ऑफ एनर्जी, इसका मतलब जो हमारे पास लॉस ऑफ एनर्जी होगा दैट इज डेल्टा यू, वो हमारा होगा इनिशियल में से फाइनल को अगर मैं लेस करता हूं तो हमारे पास कुछ आंसर मिलेगा. सो जब हम वैल्यूज पुट करते हैं यू इनिशियल का, तो यू इनिशियल हमारे पास वैल्यू होता है हाफ सी वन वी वन का स्क्वेयर प्लस हाफ सी टू वी टू का स्क्वेयर माइनस यू ऑफ द फाइनल. फाइनल हमारे पास है हाफ सी वन प्लस सी टू इंटू में वी स्क्वेयर, और जैसा कि हम जानते हैं V जो कॉमन हमारे पास होता है वो होता है वी वन सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू. ठीक है, इसकी वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो हमें मिलेगा डेल्टा U इज इक्वल टू हाफ सी वन, अगर मैं हाफ कॉमन ले लू पूरे में से तो मिला हमें सी वन वी वन का स्क्वेयर प्लस C2 V2 का स्क्वेयर माइनस इंटू C1 प्लस C2 इंटू में V का स्क्वेयर, और V हमारा था C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वेयर. ठीक है, ये हमारे पास आ गया डेल्टा U की वैल्यू. जब हम इसको सोल्व करेंगे, क्योंकि ये वीडियो हमारा लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगा इसलिए मैं इसका डायरेक्ट रिजल्ट लिखता हूं, इसको हम ओपन करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, और नीचे हमारे पास आएगा c1 प्लस c2 का होल स्क्वायर, एक पावर से एक पावर कैंसिल, उसके बाद में माइनस करके जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास डेल्टा यू आता है हाफ हाफ सी वन प्लस हाफ सी वन सी टू बाई C1 वन प्लस सी टू इंटू में वी वन माइनस वी टू का स्क्वेयर. ये हमारे पास आंसर आता है लॉस इन द एनर्जी. ठीक है,
इसी में हम अब सीखते हैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस को सोल्व करना। सो सबसे पहले मेरे पास एक क्वेश्चन हम लेते हैं, फाइंड द एनर्जी ऑफ ए स्फेरिकल सेल टाइप कैपेसिटर। ठीक है, हमारे पास कोई भी एक कंडक्टर है स्फेरिकल टाइप का है, ठीक है, उसका शेप जो हमारे पास स्फेरिकल है तो उसका हम एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। उसका जो एनर्जी के लिए हमारे पास मान लेते हैं, ये हमारे पास एक स्फेरिकल सेल है और हम जानते हैं कि स्फेरिकल जो सेल होगा तो उसका हमारे पास दो चीज होंगी, एक तो इनर रेडियस दैट इज ए, और एक होगा हमारे पास आउटर रेडियस जो कि मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं बी से। ठीक है, और इसके अंदर जो मैं चार्ज रखा है वो मैंने कितना माना, प्लस क्यू चार्ज रखा है मैंने इसके सरफेस पे। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ एनर्जी डेंसिटी, हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में सीखा है एनर्जी डेंसिटी यू जो होता है वो होता था हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर, जबकि जो एनर्जी डेंसिटी होता है वो होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सो टोटल एनर्जी हमारे पास मिलेगी वो होगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज यू इंटू में डी वी, वेयर डी वी इज व्हाट, वॉल्यूम। ठीक है, तो इस टोटल एनर्जी को मैं लिख सकता हूं यहां से दैट इज डी यू इज इक्वल टू यू इंटू में डी वी, और हम जानते हैं कि जो वॉल्यूम हमारा होता है वो होता था 4/3 πr³। ठीक है, लिमिट हमारे पास ए टू बी है, उसको हम बाद में सोल्व आउट करेंगे, और dv हमारे पास आया था 4/3 dv/dr की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 4π तो कांस्टेंट है, r क्यूब का होगा 3r² इनटू में dr, सॉरी ओनली ये, ठीक है 3r² 3 से 3 कैंसिल, तो ये मिला हमें dv/dr इज इक्वल टू 4πr², लेकिन हमें तो वैल्यू किसकी चाहिए, dv का, तो ये हमें मिलेगा du इज इक्वल टू यू इंटू में dv का वैल्यू हमारे पास है 4πr² इंटू में dr। ठीक है, तो ये मिला हमें du इज इक्वल टू, यू का वैल्यू हमारे पास गिवन था हाफ एप्सिलॉन नॉट e का स्क्वायर। अब देखो e हमारे पास किसी भी स्फीयर के लिए क्या होता था, वो होता है 1/4πε₀q/r² इंटू में, इसका हमें होल स्क्वायर करना है, इंटू में 4πr² इंटू में dr। ठीक है, तो ये हमें रिलेशन मिलेगा du इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट q² / 4πε₀r⁴ इंटू में 4πr² इंटू में dr। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन आता है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब देखो हमें पता है du इज इक्वल टू 4π² यहां पे सिंगल 4π थी, मिलेगा हमें, मैं इसको थोड़ा सा अंदर लिख देता हूं, ये मिला हमें 8π²ε₀² ठीक है, तो हमें मिलेगा 4 से ये वाला 4 पे, तो ये मिला हमें 1/8 ε₀ से एक ε₀ कैंसिल, π²ε₀ एक पाई से एक पाई अगर कैंसिल करते हैं तो ये पाई, और इंटू में r² से r²² बचा यहां, तो यहां मिला q² इंटू में dr। कहने का मतलब यहां से ये है कि हमें du मिला q² इंटू में dr/8πε₀r². सो हमें तो टोटल फाइंड आउट करना है, टोटल एनर्जी दैट इज du, इसको हम लिखते हैं du का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू इस सारे का इंटीग्रेशन q² / 8πε₀ इंटीग्रेशन 1/r² इंटू में dr। लिमिट कहां से कहां तक, a से b हमारे पास लिमिट हो गया।
तो ये मिला हमें u इज इक्वल टू q स्क्वेयर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 बाई आर स्क्वेयर का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 बाई आर लिमिट a से b। तो ये मिला हमें q स्क्वेयर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 बाई b माइनस 1 बाई a। ये मैंने कैसे लिखा है, ये एक्सप्रेशन वास्तव में क्या था, माइनस 1 अपॉन r की लिमिट a से b। तो ये मिले जो आंसर मिला वो होगा 1 बाई ए माइनस माइनस प्लस 1 बाई बी, क्योंकि अपर लिमिट हमारा a है। ठीक है, तो ये मिला हमें b माइनस a। ठीक है, ये हमारे पास आता है एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी ऑफ ए स्फेरिकल सेल। ठीक है, बाकी का हम नेक्स्ट टीपी में ट्राई करते हैं।